Hi, this is Renu from It's My Idea. So, आज हम बनाएंगे eggplant. So, it's a stuffed eggplant मैं बनाऊंगी. So, इसका नाम है eggplant 20. So, 20 नाम क्यों है? क्योंकि इसमें हम 20 ingredients use करेंगे इसे बनाने के लिए. ये बहुत ही spicy, चटपटे, मज़ेदार होते हैं. आज ये dish बनाएंगे तो ये side dish भी हो सकती है. और चाहे तो आप इसे as appetizer भी खा सकते हैं. तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं. Eggplant 20. मैंने ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट करके पीस लिए हैं. आप बाज़ार के पिसे हुए मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सौंफ, मस्टर्ड सीड, रेड चिलीज एंड आमचूर पाउडर को स्किप मत करिएगा. वो बहुत ही ज़रूरी है, उसी से एक स्पेशल फ्लेवर आता है इसमें. सो अब हम ये सारा मसाला पीस करके रेडी कर लेंगे. अब हम बैंगन काटना शुरू करेंगे. सो अब हम इसे इस तरीके से काटेंगे जिससे कि सारा मसाला इसके पूरे उसमें भर अंदर तक जाए. सो हमारा मसाला रेडी है. सो अब हम भरना शुरू करेंगे. सो बैंगन एक ऐसा है, इसको एक्चुअली में ये फल है. मैंने भी विकिपीडिया में अगर आप देखेंगे, इट कम्स अंडर फ्रूट. सो ये सारी दुनिया में सभी जगह पाया जाता है एगप्लांट. और इसकी जितनी ज़्यादा वैरायटी का मुझे लगता है इसका यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट कुजीन में, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, और किसी भी सब्जी का यूज़ नहीं होता है. आपके पास भी कोई रेसिपी हो तो मेरे फेसबुक पेज पे शेयर करिएगा, यूनिक सी. सो अब सारे बैंगन रेडी हो चुके हैं. अब हम इसको डिप करेंगे कॉर्न स्टार्च में. उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है. पानी को अच्छा रनी सा पेस्ट बनाना है, फिर हम इसको ऐसे शैलो फ्राई के लिए डाल देंगे. तो कॉर्न स्टार्च जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर एक इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग चढ़ जाती है एग प्लांट के ऊपर. और हमारे घर में ना आलू काफ़ी पसंद किया जाता है, तो मैं इसी पेस्ट में आलू डाल के आलू को भी ऐसे शैलो फ्राई कर दूंगी. सो हमें एक मतलब आलू और बैंगन दोनों ही तैयार मिल जाएंगे. सो अब हमें क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पर इसको कवर करके 5 मिनट पकाना है. फिर 5 मिनट के बाद आप इसको फ्लिप करिए, फिर फ्लेम को स्लो करिए. सो उस 5 से 7 मिनट में ये बन के रेडी हो जाते हैं. सो अब हम इसको मारेंगे स्पेशल तड़का. सो इसके लिए मैंने ये जो सारे मसाले लिए हैं इसको मैं तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/4 कप योगर्ट लेंगे, दही लेंगे, जिसमें कि मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और पानी डाला है और थोड़ा सा जो मेरा मसाला लेफ्ट ओवर था. इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे. और फिर अब हम ऑयल में डालेंगे जिंजर गार्लिक एंड रेड चिलीज एंड ग्रीन चिलीज. सो एज़ मैंने आपको पहले ही बताया, ये काफ़ी स्पाइसी होते हैं. सो हमने इसमें यूज़ किया है 2 टेबलस्पून चिली सॉस एंड 1 स्पून ऑफ टमाटो पेस्ट. सो इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद अब हमने जो ये कॉर्न स्टार्च का जो पेस्ट बनाया है हम इसको डालेंगे. और इसको हम अच्छे से तेज आंच में, अभी हमारी आंच बिल्कुल तेज होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर हम इसको स्टिर करेंगे. अब मैंने ये आलू डाल दिए. अब आलू को 2 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे. सो अब हमारा ये बिल्कुल से अब हमारा ये डिश बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है. 1 मिनट में ही इसमें हम मसाले को थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करेंगे. सो अब मैं इसको ये स्प्रिंग अनियन से इसको गार्निश करूँगी एंड इट्स रेडी टू सर्व. सो आज हम लोग इसको मैं एपेटाइज़र में डाल रही हूँ, बना रही हूँ एपेटाइज़र के लिए. सो मैं इसको इस तरीके से सर्व करूँगी एपेटाइज़र के लिए. अगर आप लोग इसे मेन कोर्स में बना रहे हैं तो आप राइट अवे ही इसे ग्रेवी के साथ सर्व करिए. बट मेरा प्लान है मैं अभी इसे एपेटाइज़र में ऐसे सर्व करूँगी और आलू और ग्रेवी हम लोग मेन कोर्स में सर्व करेंगे. सो और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही स्पाइसी हैं. आपने देखा है हमने काफ़ी मिर्चें यूज़ करी हैं. बहुत ही स्पाइसी, चटपटे और मज़ेदार, लज्जतदार बैंगन हमारे तैयार हैं. हमारा ये एगप्लांट 20 बन के रेडी हो चुका है. तो अब आप इसको एपेटाइज़र में खाइए, चाहे आप मेन कोर्स में एज अ साइड डिश खाइए इसको. और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं. तो ये जो मैंने आलू डाले हैं ये टोटली ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया. ये मैं आलू सिर्फ इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में एक जना एगप्लांट लाइक नहीं करते हैं, तो मैं उसके लिए सेम उसी में आलू डाल देती हूँ जिससे कि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए और कुछ और ना बनाना पड़े एडिशनल डिश. तो आप भी देखिए. तो और इसमें हमने लेमन डाला है साथ में, जिससे कि ये क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होता है ये एगप्लांट, तो उससे लेमन से उसमें थोड़ा सा फिर ठीक हो जाता है. लेमन जूस डाल करके उसकी स्पाइसीनेस थोड़ी सी कम हो जाती है. तो अब आप देखिएगा, ये बिल्कुल ये बहुत ही स्वाद हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं. तो आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा ये एगप्लांट बनाने के बाद. सो कीप ऑन वॉचिंग इट्स माई आइडिया रेनू एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून.